हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद कुरैशी, आपका होस्ट व्लॉगर पिज़्ज़ा स्टार के साथ। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। डेफिनेटली आपने अभी तक हमारा फार्मूला ट्राई किया कि नहीं, ज़रूर ट्राई करें। जो हमने वर्ल्ड चैंपियन फार्मूला आपको बताया है 5 टैबलेट्स का, लाजमी ट्राई करें। इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है। जो मेरे दोस्त कह रहे हैं कि जी वो कबूतर मेडिसिन लगाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, आप लगा के देखें, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। बाजियाँ भी आई हैं, आपको मुकम्मल तरीका बताया है, लगातार जेठ की बाजियों का कैसे करना है, वो वर्ल्ड चैंपियन उसका कैसे तैयार करना है, जो 12 बजे से हड हराम वाले कबूतर उनको कैसे देना है और जो 12 बजे के बाद बैठने वाले कबूतर है उनको कैसे देना है, सारा तरीका आपको वीडियो बताया है। फिर आपको ठंडा पानी बताया, टेम्परेचर धूपे तेज निकल आई है, बड़ी ज़बरदस्त आज बड़ी तेज धूप है, जब ज़्यादा टेम्परेचर हो ठंडा पानी कैसे तैयार करना है। देखिए नॉर्मली मेरे कुछ दोस्त कहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर 40 से कम होता है, मसलन 35-36, वहाँ पे ठंडा पानी की जरूरत नहीं होती, सादा पानी वहाँ पे आपने ठंडा नहीं करना कबूतर को, क्योंकि कबूतर के गुटरा जुड़ जाए। उस तरह ठंडा पानी बनाएं, वो भी आप इस्तेमाल करें। सबसे इंपॉर्टेंट जो था तीसरी वीडियो थी जिसमें संभाल बताई थी, संभाल बड़ी जरूरी है, तरीका सीख लें, देख लें और उस तरह संभालें। कबूतर को फिट करना ही असल में सबसे बड़ा टारगेट होता है इंसान का। ले जी टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जी बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद वकास साहब का, वो हमें जी उन्होंने दुबई से 2 जोड़े गिफ्ट किए। थैंक यू सो मच वकास भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने दुबई से भिजवाए हैं, उन्होंने जी 2 जोड़े हमें गिफ्ट किए हैं, एक 41 नंबर टैडी और एक जी फिरोजपुरी डब वाले को क्रॉस जुड़ा उन्होंने हमें भिजवाए हैं। पट्टे पट्टिया ही हैं, एक बड़ा भी है कबूतर, देखते हैं उसमें से कैसे जोड़े कैसे हैं, आपको दिखाते हैं। 41 नंबर टैडी पहले, ये देखें जी, जरा करीब कीजिएगा। ये जी ये पट्टा था, उन्होंने स्पेशली उन्होंने मुझे कहा ये जी हमने अपने लिए रखा हुआ था लेकिन ये आपके लिए जोड़ा गिफ्ट है। ये उनके सबसे उड़ान वाले 41 नंबर टैडी है, दिखाइएगा ऐसे, दिखाई जरा मैं आ गया तो ऐसे दिखाइएगा, पहले जरा पहले इसका कलर देखिएगा कैसा कलर है, ये देखिए। आप इसको कांटो वाला टैडी भी कह सकते हैं लेकिन ये 41 नंबर उनकी होम ब्रीड है। आप देखिए कैसा वजूद है इसका, जरा पर देखिएगा, ये ऐसे दिखाइएगा, जरा पर दिखाइएगा ऐसे, ये पर देखिए जरा इसके, इसकी आंख का जरा दिखाइएगा, जरा क्लोज अप कीजिएगा आंख को इसकी, देखिए कैसा शानदार इसका आंख है, साइडों से लाली है। यही असल में उड़ने वाली ब्रीड होती है, जो ये उड़ने वाली है, साइड की प्याजी लाली है लेकिन बीच में जो ब्लैक डॉट है उसके इर्द गिर्द सफेदी है। आप देखें इसका वजूद कैसा शानदार है, जो असल में देखने वाली जो चीज है कि इसका वजूद कैसा पक्का वजूद है, और जिस तरह उन्होंने बताया था 9 इंच का कबूतर है, देखिएगा ये, देखिएगा यहां से 9 इंच, ये मैंने दुम काटी हुई है इसकी, दुम कटी हुई आई है क्योंकि वो पट्टे पट्टिया थे तो उन्होंने वो काटे हुए थे। ये था जी 41 नंबर कबूतर उनका, देखे इसके पंजे देखिएगा, जरा दिखाइए जरा पंजा दिखाइएगा, इसका जोड़ देखे बिल्कुल बंद जोड़। ब्रीडिंग के लिए मैंने आपको जो टिप्स बताई हुई हैं उसके अंदर सिर्फ चंद एक आप चीज़ों को आप कर लीजिएगा, ब्लड लाइन कूड़ती है इतने ज़्यादा, ये नहीं बाहर का पर अंदरा पर ए वाला पर पता नहीं केड़े केड़े पर वो बता देते हैं लोग, असल में उड़ता ब्रीड है ब्लड लाइन बस, और कुछ भी नहीं कबूतरबाजी के अंदर। लेकिन चंद एक टिप्स जो मैंने आपको बताई थी कबूतर में जो देखने वाली होती हैं, ये देखिएगा इसके विंग्स देखिए आपने, ये ब्लेड की तरह के होने चाहिए, कबूतर की बंद दुम देखिए बंद दुम बिल्कुल है, जोड़ बंद होना चाहिए चांदे की ये चीजें हैं, और बाहर के ये जो 3 पार हैं ये ऐसे होने चाहिए, सिर्फ ये ऐसे 9वां पर भड़ा 10वां और 8वां पर ऐसे होने चाहिए, बस ये देख लें आपके सामने ये देखिएगा ये बस ये पार होने चाहिए। ये था जी उनका 41 नंबर कबूतर, 41 नंबर जोड़ा उन्होंने हमें भेजा है। ये इसकी जरा फिजिक देखिएगा, वैसे कुछ दोस्त मेरे कह रहे होंगे कांटो वाला टैडी है, वो भी कहना मुनासिब ही होगा कि कई लोग जिनको नहीं पता 41 नंबर ब्रीड का, ये आपका जो है ये कांटो वाला टैडी आप कह सकते हैं इसे। ये आंख देखिएगा जरा इसकी, ले जी आपको इसकी कबूतरी दिखाते हैं, इसको जरा छोड़ते हैं जमीन पे, दिखाई जी इसकी कबूतरी दिखाएं, फिर इस जोड़े को बाहर छोड़ते हैं,
जरा कबूतरी देखे आपकी तबीयत खुश हो गई। प्योर टैडी कबूतरी सेम इसी तरह की एक मेरे पास भी पड़ी हुई है जो मैंने आपको बताया था 3 लाख वाली ब्रीड, मुझे तो लगता है ये सेम वैसी है। जरा ये देखिएगा, आंख देखिएगा, जरा आंख का शौक करवाएं, जरा ये देखिएगा जी, जरा ओरिजिनल टैडी कबूतरी। इसको आप ये देखें चोंच कैसी शानदार चोंच है इसकी। उड़ने वाले टैडी कबूतरों की जो ब्रीडिंग लाइन है उनकी चोंच ऐसी होती है। आप जरा इसकी देखिएगा दुम देखिए, जरा आप सारी चीजें छोड़े, आप जरा ऐसे जरा इसका वजूद देखिएगा, कैसी शानदार फिजीक है इसकी। दुम जरा देखिए, दुम का जरा शौक रहिएगा, ये देखिए जी दुम देखिए जरा, माशाल्लाह। आप इसके जरा परे देखे, तीली पार होते हैं ना, तीली परवाजी पार, ये देखिएगा जरा देखिएगा कैसे शानदार पार है इसके, इसके पंजे देखिएगा जरा, पंजे जरा शौक रहिएगा। देखिए उन्होंने आपको कहा था कि कबूतर जो प्रवास वाले जेठ वाले जो कबूतर होते हैं विशाख जेठ में जो उड़ते हैं हाई फ्लायर, जो जबरदस्त कबूतर 9 इंच से ज्यादा बड़ा कबूतर नहीं होता, देखिएगा ये एग्जैक्ट 9 इंच की कबूतर ही है, कबूतर भी तकरीबन यही साइज है, लेकिन कबूतर की और उसकी ब्लड लाइन में थोड़ा सा फर्क ये है कि वो जरा खड़ा कबूतर है। देखिए यही बात समझाने वाली है, कबूतरी अगर स्ट्रेट है तो कबूतर जरा खड़ा, यानी कि जिसका सीना जोड़ा हो जरा ऐसे होता हो, यही फर्क है जोड़े लगाने का। कबूतर इस म्यार का होना चाहिए जिसमें ये था जी 41 नंबर जोड़ा। वकास भाई थैंक यू सो मच यार, आपने हमें याद रखा है, दुबई से आपने कबूतर 2 जोड़े भिजवा दिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिएगा अगेन ऐसे ऐसे देखिएगा, कैसी शानदार आंख है, सफेद आंख है टैडी कबूतरी, ये देखिएगा जरा। जनाब आपने देखा 41 नंबर टैडी जोड़ा, ये जी विकास पे हमें भिजवाया है अपना फिरोजपुरी और डब वाला जोड़ा, जरा शौक कीजिएगा। असल में ये ट्रैवल करके भी आए हैं इसलिए जरा इनके भी पार्सल खराब हुए हैं, काफी ज्यादा पार खराब हुए हैं, ये देखिएगा जरा, ये भी बिल्कुल पट्ठा कबूतर है, इसका कलर पहले आप ऐसे देखिएगा, इसकी आंख का शौक करवाता हूं आपको, ये देखिए जरा आंख दिखाइएगा, देखिए इसकी भी आंख सेम वैसी कबूतर की तरह की है, इसकी लाली है साइडों पे, दरमियान में डॉट सफेद है, जो ब्लैक के इर्द गिर्द आप एक लाइन देख रहे हैं व्हाइट की, आप देखें कितनी माशाल्लाह शाइनिंग आंख है इस कबूतर की। यही चीज देखने वाली होती है कबूतर की कि कबूतर की ब्लड लाइन आंख शाइनी, जितना आंख शाइनी होगी उतनी परवाज ही कबूतर आगे वो ज्यादा होगा। चोंच देखे जरा कितनी पक्की चोंच है, कबूतर की चोंच भी बड़ा मैटर करती है नस्ल बनाने में। इसका कलर जरा ऐसे दिखाइएगा, ये जी उन्होंने हमें बताया कि फिरोजपुरी डब वाले को क्रॉस जोड़ा है ये वाला, देखिए कैसा शानदार, इसके जरा ये पट छाड़ है, ये 10वीं कली से गिराई हुई है, आप उसके दुम का शौक कराता हूं, दुम देखिएगा जरा, पंजे दिखाइएगा जरा, इसके पंजे दिखाइएगा, ये देखिएगा एक दफा फिर जरा हमारे देखने वाले को जरा ऐसे शौक कराए, ये देखिए जी कैसा शानदार फिरोजपुरी कबूतर है, ऐसे इसकी चोंच इस तरह आंख दिखाइएगा जरा ऐसे, आपने शौक किया इसकी आंख देखिए आपने कैसी शानदार आंख है। ये था जी फिरोजपुरी डब वाला कबूतर, इसकी कबूतरी का शौक कराता हूं आपका दिल खुश हो जाएगा। ये थी जी इसकी कबूतरी फिरोजपुरी,
एक उन्होंने जी फिरोजपुरी हमें कबूतरी दी है, बहुत ही आला नस्ल की कबूतरी। जरा कबूतरी देखिए आप, पहले आप इसका जरा एक ऐसे तरह शौक कीजिए। ये पट्टी उन्होंने काटी थी, उन्होंने कहा कि जी कुछ कबूतर हमने अपने लिए रखे थे लेकिन ये आपके लिए गिफ्ट है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये दादा देखिएगा कलर, देखे कैसा शानदार कलर है इस कबूतरी का। और आप देखें स्लिम, बिल्कुल स्लिम कबूतरी है, यानी कि कोई इस पे गोश्त नहीं है, कोई कुछ नहीं, स्लिम बिल्कुल कबूतरी है। इसका जरा पहले आंख का शौक कीजिएगा, जरा देखिएगा आंख दिखाइए हमें। ये फिरोजपुरी वो जो नीली आंखों के नहीं होते, ये नीले रिंग वाले कबूतर हैं फिरोजपुरी, जरा देखिएगा, देखिए कैसे शानदार। इसकी आ देखिए, इसकी भी लाली साइड पे है लेकिन इसकी ब्लैक आंख के साथ नीला रिंग आपको नजर आ रहा होगा, नीला रिंग है इसकी आंख के साथ साथ, जो कि इसके फिरोजपुरी होने का जो बताता है। जरा कलर देखिएगा इस कबूतरी का, कितना खूबसूरत पार, कितने खूबसूरत है इसके। वाइब्रेशन आप देख रहे हैं, ये मैंने इसको पकड़ा भाई, ये वाइब्रेशन हो रही है इसके कबूतरों की। इसके जरा पंजों का शौक कीजिएगा, पंजे कैसे शानदार पंजे हैं इसके। जरा एक दफा ऐसे जरा कलर दिखाइएगा नीचे से, ऐसे ये देखिए नीचे से कैसा शानदार कलर है इसका। दुम देखे बिल्कुल बांध दुम की कबूतरी है, दुम बांधे कटी हुई है, क्योंकि उन्होंने बताया था हमें कि कुछ पट्टे पट्टियां थे उन्होंने रोके हुए थे, तो उनमें से उन्होंने हमें जोड़ा ये बना के दिया है, फिरोजपुरी और डब वाला क्रॉस जोड़ा ये। एक दफा फिर इसका शौक कीजिएगा, कलर ऐसे देखिएगा, कितना खूबसूरत शानदार कलर है। ले जी जरा देखिएगा इसका शौक कीजिएगा, ये था जी आपको दिखाया हमने जोड़ा 41 नंबर टैडी और एक डब वाला और फिरोजपुरी क्रॉस जोड़ा ही है। जरा ऐसे शौक करा दीजिए, बस इधर से इस तरह करके ना इनको चले। देखिए व्यूवर्स, आपको एंजॉय मजा आया होगा कबूतर देख के, दुबई के कबूतर कैसे होते हैं, देखे कितनी शानदार ब्लड लाइन है। मेरे पास भी फिरोजपुरी पड़े हैं लेकिन मेरे पास जो फिरोजपुरी है वो नीली आंखों में, सफेद आंखों में है। आपने जो देखा फिरोजपुरी डब वाले, ये तरह जरा नीली आंखों के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे जोड़े, और अगेन थैंक यू सो मच वकास भाई दुबई से आए। और कोई व्यूवर्स मेरा जो पिछली दफा जो मुझसे कमेंट्स कर रहे थे, जी आप शायद वीडियो बनाते हैं तो शायद कोई मुआवजा लेते हैं या जोड़े वगैरह या बच्चे वगैरह ले लेते हैं, सिर्फ यारी दोस्ती है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लाहौर में यारी दोस्त है, गिफ्ट आते रहते हैं डेली बेसिस पे आते रहते हैं। वकास भाई थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें गिफ्ट भिजवाए, आपकी थैंक यू सो मच। व्यूवर्स हमारे साथ रहें, हम आपको नई नई वीडियोस दिखाते रहेंगे और आपको उस्ताद बनाते रहेंगे। कोई पग नहीं, कोई हार नहीं, ना पे डॉलर और ना व्हाट्सएप पे पैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमने साथ बनाना है। अपना बड़ा ख्याल रखें, हमारे साथ रहें। शहजाद कुरैशी व्लॉगर पिजन सार के साथ, माही किचन व्लॉग्स हमारा यार चैनल, कुकिंग चैनल, लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।